नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रीन टीवी के कृषि और नक्षत्र में, जिसमें आज हम बात करेंगे 7 मई से लेकर 13 मई तक कैसा रहेगा आपका भाग्य सितारों के मुताबिक, और सितारों के मुताबिक आपका भविष्यफल बताने के लिए एक बार फिर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित अमित पांडे जी, जो कि ज्योतिषी हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। जी धन्यवाद आपका। जी तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कैसा रहेगा आपका भविष्य 7 मई से लेकर 13 मई तक। और सबसे पहले बात सबसे पहली राशि मेष राशि की। पंडित जी, मेष राशि का राशिफल कैसा रहेगा पूरे सप्ताह? मेष राशि के अपने दर्शकों को बताऊं कि इस सप्ताह मंगल इनके द्वितीय भाव में गोचर कर रहा है। मंगल की द्वितीय स्थिति शुक्र की राशि पर होने से धन की बचत कम रहेगी, मतलब आर्थिक उन्नति में थोड़ा सा संकट दिखाई दे रहा है। संतान का पूर्ण सहयोग मिलेगा। हाँ, रही बात हमारे किसान भाइयों की, तो किसानों के लिए कृषि यंत्र परेशानी का कारण बन सकता है। किसी कृषि यंत्र को लेकर के वो इस सप्ताह परेशान रह सकते हैं। इस सप्ताह मेष राशि के लोगों के लिए शुभ अंक है 6 और शुभ रंग है सफ़ेद। आवश्यकता अनुसार जरूरत पड़ने पे इन दोनों चीज़ों का प्रयोग करें, निश्चित रूप से आपको लाभ दिखाई देगा। तो मेष राशि वालों का शुभ अंक 6 है और शुभ रंग आपका सफ़ेद है। अगली राशि पर चर्चा करें उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप हमारे इस कार्यक्रम में कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर आप देख रहे हैं उस नंबर पर आप अपने सवाल के साथ अपनी डिटेल्स हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या कॉल करके भी आप हमें बता सकते हैं। डिटेल्स में आपको लिखनी होगी जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान, साथ में सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली राशि वृषभ राशि की। पंडित जी, वृषभ राशि का राशिफल भी बताएं। वृषभ राशि के दर्शकों को बताऊं कि इनके लग्न में ही मंगल गोचर कर रहा है, जिससे गुस्सा अधिक आएगा, क्रोध की अधिकता रहे, क्योंकि मंगल क्रोध का देवता है। हाँ, स्वास्थ्य इनका जरूर ठीक रहेगा, स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। और यहीं पर मकान भूमि का जो भी आप बात करना चाहते हैं, इस सप्ताह आप बात आगे बढ़ाइए, ये बात आपकी बन जाएगी, काम आपका हो जाएगा। रही बात किसान भाइयों की, तो किसान भाइयों के लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है, खास करके ऐसे किसान भाई जो इस समय खेती के कामों से बिल्कुल मुक्त हो चुके हैं, नई योजनाएं बना रहे हैं, वो नई योजना बनाएं, और जो भी नई योजना बना रहे हैं उन्हें पूर्ण सफलता मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। इस सप्ताह शुभ अंक है 5 और शुभ रंग है हरा। इन दोनों चीज़ों का प्रयोग करें, निश्चित रूप से लाभ होगा। तो वृषभ राशि वालों का शुभ अंक 5 है, शुभ रंग आपका हरा है। ये दोनों चीज़ें अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके सप्ताह में सकारात्मक परिवर्तन देखने को जरूर मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तीसरी राशि मिथुन राशि की। पंडित जी, मिथुन राशि के सितारे क्या कहते हैं 7 मई से 13 मई तक? मिथुन राशि के दर्शकों को बताऊं कि इस सप्ताह इनके 12वें भाव मंगल गोचर कर रहा है। 12वां भाव खर्च का स्थान है, व्यय का स्थान है, इसलिए व्यय की अधिकता रहेगी। हाँ, बाहरी लोगों से आप सावधानी बरतें, उनसे बहुत ज़्यादा घुले मिले नहीं, उन्हें अपने हृदय की बात कतई न बताएं। आपका पराक्रम बढ़ेगा, यश बढ़ेगा। रही बात किसान भाइयों की, तो किसान भाइयों के लिए सब प्रकार से अच्छा समय है, आनंद करें, कोई दिक्कत कोई कठिनाई इस सप्ताह उन्हें नहीं होने वाली है। शुभ अंक है 4 और शुभ रंग है नीला। इन दोनों चीज़ों का प्रयोग करें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। तो मिथुन राशि वालों का शुभ अंक 4 है, शुभ रंग आपका नीला है। अगली राशि की तरफ बढ़ें उससे पहले एक बार फिर आपको बता दें कि अगर आप पंडित जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर आप देख रहे हैं उस नंबर पर आप अपने डिटेल्स हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज करके दे सकते हैं या फिर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। डिटेल्स में आपको अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान सवाल के साथ लिखकर भेजना होगा। बात करते हैं अगली राशि कर्क राशि की। पंडित जी, कर्क राशि का राशिफल भी बताएं। कर्क राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, इन्हें वाक चातुर्य से लाभ मिलेगा, मतलब अपने बात व्यवहार से अपना काम निकालने में समर्थ होंगे। संतान व विद्यार्थी वर्ग प्रसन्नता प्राप्त करेंगे, मतलब आप अपने संतान से ही प्रसन्न होंगे। और कर्क राशि के लोग यदि पढ़ाई के क्षेत्र में, अध्ययन के क्षेत्र में हैं, तो उनके भी लाभ का समय दिखाई दे रहा है। इस सप्ताह शुभ अंक है 3 और शुभ रंग है पीला। इन दोनों चीज़ों का प्रयोग करें, निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा। तो कर्क राशि वालों का शुभ अंक 3 है, शुभ रंग आपका पीला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली राशि सिंह राशि की। जान लेते हैं इनके लिए क्या रहेंगे शुभ अंक और शुभ रंग। पंडित जी, सिंह राशि के बारे में क्या छिपा है खास और इनके शुभ अंक शुभ रंग क्या रहेंगे?
सिंह राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा गोचर कर रहा है बृहस्पति के साथ, यह कहीं न कहीं धन के कोष को बढ़ाने वाला समय है। पारिवारिक सुख शांति भी देगा और तो और मातृपक्ष से भी लाभ मिलेगा। हाँ, रही बात हमारे किसान भाइयों की, तो किसान भाइयों के लिए जमीन संबंधित, भूमि संबंधित सारे कार्य संपूर्ण होंगे इस सप्ताह। शुभ अंक है आपका 2 और शुभ रंग है आपका सफेद। इन दोनों चीजों का प्रयोग करें, निश्चित रूप से यथेष्ट लाभ होगा। तो सिंह राशि वालों का शुभ अंक है 2, शुभ रंग आपका सफेद है। फिलहाल कार्यक्रम में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक से लौटेंगे तो लेंगे आपके सवाल भी, साथ ही आपको बताएंगे भय से मुक्ति के उपाय भी। क्यों व्यक्ति को भय लगता है, किस ग्रह के कमजोर होने से ये परेशानी होती है, ये भी आपको बताएंगे। बने रहिए ग्रीन टीवी के साथ, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम कृषि और नक्षत्र में, जिसमें आज हम आपको बता रहे हैं 7 मई से लेकर 13 मई तक कैसा रहेगा आपका भाग्य सितारों के मुताबिक। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली राशि कन्या राशि की। पंडित जी, कन्या राशि का राशिफल भी बताएं। कन्या राशि के दर्शकों को बताऊं, कन्या राशि वालों के लिए मंगल नवम अर्थात भाग्य भाव में गोचर कर रहा है, इसलिए भाग्य में थोड़ी सी रुकावट आ सकती है, लेकिन ज़्यादा नहीं, एक समय के बाद वो रुकावट समाप्त हो जाएगी। बाहरी लोगों से सहयोग मिलेगा, सहायता प्राप्त होगी, यात्रा भी हो सकती है जो कहीं न कहीं लाभदायक भी सिद्ध होगी। इस सप्ताह शुभ अंक है आपके लिए 1 और शुभ रंग है लाल। इन दोनों चीज़ों का प्रयोग करें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। तो कन्या राशि वालों का शुभ अंक 1 है, शुभ रंग आपका लाल है। आगे की राशियों पर चर्चा करें, उससे पहले अपने एक दर्शक का सवाल ले लेते हैं। हमारे पास एक सवाल आया है प्रवीण रावत जी का जी। इनका डेट ऑफ बर्थ है 2 दिसंबर 1961, समय है इनका 1:02 का दोपहर, और जन्म का स्थान है इनका श्रीनगर उत्तराखंड का। ये जानना चाहते हैं कि ये इनको अपना बिजनेस फलेगा या नहीं फलेगा, और भविष्य इनका कैसा रहेगा। देखिए, प्रवीण जी का जो आपने डिटेल बताया है, 2 दिसंबर 1961 2:02 श्रीनगर उत्तराखंड का इनका जन्म है। कुंभ लग्न की इनकी कुंडली है और जन्म राशि है इनकी कन्या। वर्तमान में शनि की महाशा चल रही है, शनि में बुध का अंतर है और शनि इनके 12वें भाव में बैठा है 12वें भाव में, मतलब काफ़ी आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं। सिर्फ इनके यहाँ से धन जा रहा है, धन आने का कोई आगम नहीं दिखाई दे रहा है। एक तो लग्नेश है शनि, ऊपर से 12वें भाव में बैठा है, मतलब स्वास्थ्य भी खराब कर रहा है, आर्थिक संकट भी खड़ा कर रहा है और कोई भी काम नहीं बनने दे रहा है जहां से इनको धन प्राप्त हो सके। और अभी यह स्थिति कमोबेश 2018 तक दिखाई दे रही है। 18 के बाद कहीं न कहीं से इनका कुछ न कुछ निवेश करने से इनको लाभ मिलेगा, इनका व्यापार कुछ ठीक चल सकता है। हाँ, मैं इन्हें सलाह ये देना चाहूँगा कि व्यवसाय से अधिक अच्छा कहीं न कहीं रहेगा कि कहीं नौकरी करें या फ्रीलांस होकर के कोई अल्पकालिक व्यवसाय करें, मतलब सीजन के अनुसार अपना व्यवसाय करें, ऐसे काम इनको लाभ देंगे। लंबे समय के लिए दीर्घकालिक निवेश इनके लिए कभी लाभदायी नहीं सिद्ध होंगे, हमेशा आर्थिक संकट खड़ा करने वाला ऐसा निवेश इन्हें सिद्ध होगा। तो उम्मीद करते हैं प्रवीण जी कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। दर्शकों, अगर आपका भी कोई सवाल है, आप जानना चाहते हैं अपना भविष्य, जानना चाहते हैं कि आपके भविष्य में क्या छिपा है, पंडित जी से सवाल का जवाब पूछना चाहते हैं, तो कार्यक्रम में हम आपका सवाल लेंगे। आप स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं उस नंबर पर आप अपनी डिटेल्स हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या कॉल करके भी हमें बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली राशि तुला राशि की। पंडित जी, तुला राशि का राशिफल भी बताएं। तुला राशि के दर्शकों को बताऊं कि सबसे पहली बात, किन्हें इस सप्ताह यदि निवेश करना है तो सावधानी पूर्वक निवेश करें, अन्यथा निवेश से नुकसान हो सकता है। धन कुटुंबियों से लाभ दिखाई दे रहा है, मतलब परिवार के सदस्य आर्थिक सहयोग प्राप्त होगा और वो काफ़ी सहयोग भी करेंगे बाकी अन्य क्षेत्रों में भी। हाँ, एक बात किसान भाइयों को बताऊं, चूँकि तुला राशि में इस समय 12वें चंद्रमा गोचर कर रहा है देवगुरु बृहस्पति के साथ, तो कहीं न कहीं ऐसे किसान भाई जिन्होंने अभी तक अपनी गेहूं का फसल का विक्रय नहीं किया है, तो थोड़ा सा और रुकें और
सप्ताह के मध्य के बाद मतलब गुरुवार के बाद आप अपनी फसल का विक्रय करें, तभी आपको मनपसंद मनचाहा मुनाफा प्राप्त हो सकता है। इस सप्ताह शुभ अंक है 3 और शुभ रंग है सुनहरा। इन दोनों चीज़ों का प्रयोग करें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। तो तुला राशि वालों का शुभ अंक 3 है, शुभ रंग आपका सुनहरा है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अगली राशि वृश्चिक राशि की भी। पंडित जी, वृश्चिक राशि का राशिफल कैसा रहेगा 7 मई से 13 मई तक? वृश्चिक राशि के दर्शकों को बताऊं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए सप्तम भाव में मंगल गोचर कर रहा है। सप्तम भाव में होने से जहां इनके प्रभाव में वृद्धि होगी, वहीं समस्त काम में समस्त योजनाओं में आशाजनक परिणाम मिलेंगे। मतलब ये जो भी कार्य कर रहे हैं उन सभी कामों में इनके आसान रूप परिवर्तन दिखाई देंगे। इनका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। हाँ, इतना जरूर है कि जीवन साथी के मामलों में इन्हें सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि सप्तम भाव में मंगल पत्नी के या पति के आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में खराबी उत्पन्न करता है। हाँ, किसान भाइयों के लिए कहूँ, किसान भाई अपने दैनिक व्यवसाय में थोड़ा संभल के चलें। जो डेली ये खरीद फरोख्त करते हैं उसमें थोड़ा सावधानी रखें, नहीं तो आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। शुभ अंक है आपका 2 और शुभ रंग है दुधिया। दोनों चीज़ों का प्रयोग करें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। तो वृश्चिक राशि वालों का शुभ अंक 2 है, शुभ रंग आपका दूधिया है। ये दोनों चीज़ें आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके सप्ताह में सकारात्मक परिवर्तन देखने को जरूर मिलेंगे। फिलहाल कार्यक्रम में रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक से लौटेंगे तो बताएंगे आपको कि कब लगता है व्यक्ति को भय, किस ग्रह के कमजोर होने से परेशानी होती है, साथ ही बताएंगे कुछ अचूक उपाय भय से मुक्ति के, साथ में होंगे राशिफल भी। बने रहिए ग्रीन टीवी के साथ, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका ग्रीन टीवी के साप्ताहिक कार्यक्रम कृषि और नक्षत्र में, जिसमें आज हम आपको बता रहे हैं 7 मई से लेकर 13 मई तक कैसा रहेगा आपका भाग्य सितारों के मुताबिक। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अगली राशि धनु राशि की। पंडित जी, धनु राशि का राशिफल कैसा रहेगा इस सप्ताह? धनु राशि के दर्शकों को बताऊं कि धनु राशि वालों के लिए मंगल खष्ट भाव में गोचर कर रहा है, इसलिए मंगल के प्रभाव से धनु राशि के समस्त विरोधी जन प्रभावहीन हो जाएंगे। उन्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, स्वतः से उनका उनके विरोधियों का पराभव हो जाएगा। हाँ, कर्ज की समस्या भी इनकी हल होने वाली है। जो भी इन्होंने भूतकाल में कभी कर्ज लिया है वह समस्या समाप्त हो जाएगी और निश्चित रूप से इस सप्ताह ये कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। किसान भाइयों को बताऊं, किसान भाई अपने व्यापार में व्यवसाय में बिल्कुल प्रगति करेंगे, उसके पूरे योग बने हुए हैं। कोई दिक्कत कोई तकलीफ किसान भाइयों को इस सप्ताह नहीं होने वाली। नौकरी पेशा वाले लोग भी इस सप्ताह लाभान्वित होंगे, मतलब पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, पदोन्नति के योग भी दिखाई दे रहे हैं। शुभ अंक इनका है 1, अशुभ रंग है मैरून। दोनों चीज़ों का प्रयोग करें, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। तो धनु राशि वालों का शुभ अंक 1 है, शुभ रंग आपका मैरून है। अगली राशि पर चर्चा करें उससे पहले आपको बता दें कि अगर आपको भय लगता है तो क्या भय से मुक्ति के उपाय हो सकते हैं ज्योतिष के मुताबिक, वो भी पंडित जी आपको बताएंगे। कॉपी कलम आप लेकर बैठिए, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं अगली राशि मकर राशि की। पंडित जी, मकर राशि का राशिफल भी बताएं। मकर राशि के लिए बताऊं कि इस सप्ताह मकर राशि वालों के लिए मंगल पंचम भाव में गोचर कर रहा है, जहां संतान पक्ष से आपको थोड़ा सा कष्ट अनुभूत हो सकता है, वहीं पे यदि आप अध्यात्म के क्षेत्र में हैं तो उसमें आपको लाभ दिखाई दे रहा है। मनोरंजन के मामले में आप धन खर्च कर सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं, पिकनिक पे जा सकते हैं। आर्थिक लाभ के भी योग दिखाई दे रहे हैं, आर्थिक स्थिति कुल मिला के ठीक रहेगी इस सप्ताह। बाहरी संबंधों में भी सुधार दिखाई देगा, मतलब जो रिश्ते आपके बिगड़ गए थे समाज के लोगों से, वह भी कुछ कारणों से अब धीरे धीरे ठीक होते आपको दिखाई देंगे। किसान भाइयों की भी लाभजनक स्थिति बनी हुई है, मतलब किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने वाला है। शुभ अंक आपका है 9 और शुभ रंग है पीला। इन दोनों चीज़ों का प्रयोग करें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। तो मकर राशि वालों का शुभ अंक 9 है, शुभ रंग आपका पीला है। आगे की राशियों पर चर्चा करें उससे पहले चलिए जान लेते हैं कि कब लगता है व्यक्ति को भय, किस ग्रह के कमजोर होने से व्यक्ति को ये परेशानी होती है। पंडित जी, अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोगों को डर बहुत ज़्यादा लगता है,
अज्ञात चीजों से डर लगता है, उन्हें नहीं पता होता कि किस चीज से डरना है, बस डर लगता है। ये किसी ग्रह का प्रभाव होता है, किसी ग्रह के कमजोर होने से परेशानी होती है जी बिल्कुल। जब आदमी को भय, झूठा भय लगे, मतलब जी। भय ना हो फिर भी भय लगे, उसके लिए तीन ग्रह जिम्मेदार होते हैं। जो मैंने अभी तक अनुभूत किया है उसमें चंद्रमा का पापग्रस्त हो जाना, राहु या केतु से विद्ध हो जाना, एक तो मन खराब होता है, फिर मन में एक अपनी परिकल्पना लोग बना लेते हैं, डर का एक वातावरण अपने मन के अंदर तैयार कर लेते हैं, हाइपोथेटिकल एक परिकल्पना होती है। दूसरा मंगल पराक्रम का कारण है, सूर्य आत्मविश्वास का। सूर्य, मंगल और चंद्रमा, इन तीन में से यदि कोई भी ग्रह पीड़ित है, खराब है, अस्त है, ग्रस्त है, ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति को भय लगता है। और भय किसी भी चीज का हो सकता है, कभी कभी भय वास्तव में सच होता है, कभी परिकल्पना मात्र होती है। क्या उपाय व्यक्ति कर सकता है अगर उसे भय लगता है? ज्योतिष के मुताबिक कोई ऐसे अचूक उपाय, अचूक मंत्र जिन्हें वो जपे तो ये समस्या उसकी खत्म हो सकती है? देखिए, किसी भी परिस्थिति से यदि आप जूझ रहे हैं तो यदि आपको उससे कोई मुक्त कर सकता है तो केवल ईश्वर, परमपिता परमेश्वर। उसके अलावा इस संसार में और कोई नहीं है जो आपको संकटों से मुक्त कर सके। यदि आपको भय लगता है तो आपको एक बहुत छोटा सा, बहुत आसान मंत्र बता देता हूँ, उसे आप नोट कर लें और जब भी भय लगे तो उस मंत्र का आप जाप करना आरंभ कर दें, निश्चित रूप से भय मुक्त हो जाएंगे। मंत्र क्या है? मंत्र माता दुर्गा का है, दुर्गा शक्ति की अधिष्ठात्री देवी हैं। सर्वस्वरूपे सर्वे से सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्येश्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वे से सर्वशक्ति समन्विते, मतलब सर्वस्वरूप की स्वामिनी और सर्वशक्ति से समन्वित माता दुर्गा, भयेभ्येश्राहि, मुझे भय से मुक्त करो, अभय करो, मैं आपके शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करो। यह प्रार्थना का मंत्र है, इस मंत्र को आप जपना आरंभ कर दें, समस्त प्रकार के भय से मुक्त हो जाएंगे। दूसरा उपाय और आसान है। यदि मान लीजिए आपको अनचाहा भय है, भय तो लग रहा है लेकिन पता नहीं किस चीज़ का, तो इसके लिए आप बजरंग बली हनुमान की भी उपासना कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का भी पाठ यदि किया जाए तो नाशय रोग मिटे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा, हनुमान चालीसा के पाठ से भी व्यक्ति अभय हो जाता है, भयमुक्त हो जाता है। तो पंडित जी ने आपको बताए भय से मुक्ति के उपाय, साथ ही आपको ये भी बताया कि कुंडली में किस ग्रह के कमजोर होने से परेशानी व्यक्ति को होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली राशि कुंभ राशि की। पंडित जी, कुंभ राशि का राशिफल कैसा रहेगा 7 मई से 13 मई तक? कुंभ राशि वालों के चतुर्थ भाव में मंगल गोचर कर रहा है, जिससे इन्हें पारिवारिक मामलों की चिंता रह सकती है। अच्छा, उसका एक कारण और है कि वर्तमान समय में आपके अष्टम भाव में चंद्रमा गोचर कर रहा है कन्या राशि में, तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर के माता और परिवार, ये दो चीज़ को लेकर के आप चिंतित इस सप्ताह रह सकते हैं। मकान, जमीन, वाहन, इन संबंधित सभी मामलों में आपको निर्णय लेना हो तो काफ़ी सोच समझ के लें, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। एक बात अच्छी है इस सप्ताह कि आपके व्यवसाय में प्रगति होगी, तरक्की होगी, और किसान भाइयों के लिए भी यह सप्ताह बहुत अच्छा है। आपके साथ काम करने वाले लोग जो आपके सहयोगी हैं वो आपका पूर्ण सहयोग करेंगे, जिससे आपका सारा काम समय पे पूर्ण हो जाएगा। शुभ अंक आपका है 8 और शुभ रंग है आसमानी। कुंभ राशि वाले इन दोनों चीज़ों का प्रयोग करें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। तो कुंभ राशि वालों का शुभ अंक 8 है, शुभ रंग आपका आसमानी है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अंतिम राशि मीन राशि की। पंडित जी, मीन राशि का राशिफल कैसा रहेगा वो भी बताएं। मीन राशि के दर्शकों को बताऊं कि मीन राशि के सप्तम भाव में चंद्रमा गोचर कर रहा है, इसलिए जीवन साथी जहां पूर्ण आपका सहयोग करेगा, आपका साथ निभाएगा, वहां व्यापार में भी आप अच्छी तरक्की करेंगे इस सप्ताह। हाँ, तृतीय भाव में आपके मंगल है, जिससे थोड़ा सा आपके प्रयास में कमी दिखाई देगी, पराक्रम में कमी महसूस करेंगे, लेकिन उसका एक अच्छा फल भी है कि आपके समस्त विरोधी, चाहे व्यावसायिक हों चाहे राजनैतिक हों, वो समस्त लोग प्रभावहीन हो जाएंगे, मतलब उनका कोई भी प्रभाव आपके ऊपर लागू नहीं होगा। हाँ, किसान भाइयों को एक अच्छी बात इस सप्ताह ये है कि कोई ऐसा काम जो काफ़ी समय से सरकारी इनका अटका हुआ था, वो इस सप्ताह पूर्ण हो जाएगा, मतलब इनका काम बन जाएगा। शुभ अंक आपका है 7 और शुभ रंग है ग्रे, इन दोनों चीज़ों का प्रयोग करें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा।
तो मीन राशि वालों का शुभ अंक है 7 और शुभ रंग है आपका ग्रे। 12 राशियों का कैसा रहेगा राशिफल 7 तारीख से लेकर 13 मई तक, वो पंडित जी ने आपको बता दिया है। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी तो फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही, अगले सप्ताह फिर मिलेंगे आपसे अगले सप्ताह के राशिफल के साथ। लेकिन अगर आप पंडित जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं, आपके मन में कोई सवाल है अपने भविष्य को लेकर, आप चाहते हैं कि पंडित जी उस सवाल का जवाब दें, तो आप स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं उस नंबर पर आप अपनी डिटेल्स हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल करके भी बता सकते हैं। डिटेल्स में आपको अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान लिखकर भेजना होगा। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्ते नमस्ते।